नमस्कार, हिस्ट्री की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में अकबर के जीवनी के बारे में देखेंगे कि अकबर का रोल क्या रहा मध्यकालीन भारत में। ये मध्यकालीन भारत में अकबर ने अपने जीवन का क्या छाप छोड़ के गए, उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हो कि पूरे मध्यकालीन भारत में और मुगल वंश में हम देखें तो सबसे जो है महान शासक जो रहा वो अकबर ही रहा। ठीक है, शहंशाह जो रहा आपका मेन वो रहा अकबर। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्यों ये मतलब बिना पढ़ा लिखा इंसान इतना महान शासक हो गया, और इससे पहले भी मध्यकालीन भारत में काफ़ी पढ़े लिखे लोग आए लेकिन वो छाप नहीं छोड़ पाए जो अकबर ने आपके इतिहास में छाप छोड़ के गया है। ठीक, तो अभी हमने समाप्त क्या किया था आपका, शेरशाह सूरी मतलब सूरी वंश में जो शेरशाह सूरी का मेन रोल होता है, बाकी सब आपके सिंपल जो आते हैं उसके बाद अफगानी जो आते हैं उनका कोई खासा रोल नहीं होता है। तो शेरशाह सूरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया, उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ थी प्लस उनकी जो प्रशासन व्यवस्था था, प्रशासन व्यवस्था एक तरह से बोला जाए सूरी वंश में जो शेरशाह सूरी की थी सेम उसी तरह अकबर ने भी वही अडॉप्ट किया था। ठीक, थोड़ा मोड़ा चेंज करके वैसे ही प्रशासन चलाता था कि क्या करता था, पूरा का पूरा आपका जो राज्य है उसको सूबे में बांटा होता था, सूबों को सरकारों में बांटा होता था, सरकार के बाद फिर आपके क्या होते थे परगना होते थे, परगना के बाद फिर आपका गांव होता था, ऐसे एकदम सिस्टम वाइज पूरा वो शासन चलाता था। ऐसे ही आपका मुगल वंश में है। तो ये जब हम मुगल वंश का शासन पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, आज हम अकबर की जीवनी के बारे में देखेंगे कि अकबर का शासनकाल कैसे रहा, कैसे वो कठिनाइयों से लड़ते हुए एक महान शासक बना, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है स्थापित किया, इसीलिए उसे अकबर महान बोला जाता था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का अंत हो गया था, अंत वहां हुआ था कलिंजर पे जब इन्होंने आक्रमण किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है सूरी वंश में कि शेरशाह सूरी का अंत कहाँ हुआ था, तो कलिंजर में हुआ था। मगर अगर यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर पूछ दे आपसे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि तुम लोग पूछे कि मरा कहाँ था तो उसमें भी सासाराम बताओ, और दफनाया कहाँ गया तो उसमें भी सासाराम बताओ, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। एक का होगा आपका कहाँ, कलिंजर में हुआ था इसकी डेथ, और ये इसको जो दफनाया गया था इसका जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अकबर के बारे में देख लेते हैं और इनका साम्राज्य देख लेते हैं, इनका समय काल देख लेते हैं। तो 56 के बाद, ठीक है, 56 तक कौन रहता है, इनके पिता श्री हुमायूं रहते हैं दिल्ली की गद्दी पर। एक बार शेरशाह सूरी इनको भगाता है तो फिर 40 के बाद 55 में आते हैं, एंट्री मारते हैं भारत में, उसके बाद से युद्ध लड़ते हैं सिकंदर सूरी से, उसके बाद से दिल्ली की सत्ता को स्थापित कर लेते हैं। मगर सिकंदर सूरी भी हार नहीं मानता, फिर पंजाब की तरफ भाग जाता है और वहाँ हमेशा लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो 56 में फिर से मुगल वंश की स्थापना करते हैं, और इनकी मरने के बाद ही जो है अकबर जो है आपका आता है और 1605 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अपने साम्राज्य को जो है विस्तार करता है। तो देखो ये जो आपका, मैं कलर इसका थोड़ा ये जो आपको दिख रहा है रेडिश कलर में, ये जो है एम्पायर जो है किसका है, अकबर का एम्पायर है। ठीक है, मैं इसे इसकी बाउंड्री दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिए, ये जो आपकी पूरी की पूरी राज्य है ये किसका था, ये अकबर का था। ठीक है, इसके बाद जो ये नीचे वाला ब्लू कलर में थोड़ा आपको दिखेगा, ठीक, उसके बाद से लोग आए थे आपके जो जहांगीर शाहजहां औरंगजेब जब आए थे तो उसके बाद ये साउथ में इनका जो है साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ये अकबर ने इसे पूरा किया था, ये बहुत कम था, ये दिल्ली के आसपास के ही शहर थे जब हुमायूं का था। ठीक है, जब शेरशाह सूरी हो गया था तो बड़ा तो साम्राज्य था, शेरशाह सूरी का भी बड़ा साम्राज्य था, मगर फिर से जब मुगल वंश आया तो धीरे धीरे सब इंडिपेंडेंट हो गए थे, और इंडिपेंडेंट होने के बाद से दिल्ली के आसपास के कुछ ही जो जगह जो बचे थे वो मुगल वंश के हाथ में थे, बाकी सब अफगानों के हाथ में थे। बाद में उसे अकबर ने धीरे धीरे सबसे जीता, पूरा अपना समय जो है युद्ध करने में ही 13-14 अभियान किया और उसी में ये पूरे साम्राज्य को अपने विस्थापित किया। चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा अकबर के बारे में कि कैसे इन्हें जो है आपका राजा बनाया गया, साम्राज्य का दायित्व इन्हें सौंपा गया बहुत कम उम्र में। ठीक है, और इनके संरक्षक जो थे बैरम खां, जो हुमायूं के काफी
जो है अच्छे सेनापति थे, उनके हर युद्ध में जो है साथ दिए थे। और बैरम खां के जो पिताश्री थे वो खुद बाबर के ही समय से इनके जो है राज्य में काम करते थे। तो उनके बाद वो उनके वो मरे तो इनका बेटा जो बैरम खां था, ये एक जो है आपका सिया मुस्लिम था, ठीक ईरान साइड का। तो उसके बाद से हुमायूं के शासनकाल में आपके बैरम खां आ गए और ये अकबर के शासनकाल तक रहते हैं। मगर कुछ षड्यंत्रकारियों ने अकबर को भड़का देते हैं और इन्हें जो है अपने राज्य से निकलवा दिया जाता है। अकबर इन्हें निकला देता है और बाद में चल के इनकी मृत्यु हो जाती है, वो सब हम देखेंगे धीरे धीरे करके। तो समय पीरियड अकबर का है 56 से लेके 605 तक, ठीक है। अब इनके बात कर लेते हैं, इनका जो जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था राणा वीरसाल के यहाँ। क्योंकि सभी लोग जब हुमायूं को संरक्षण देने में नाकामयाब हो रहे थे, जब शेरशाह सूरी इनके पीछे पड़ा था, तो राणा वीरसाल ही इन्हें बुलाया था फैमिली के साथ और वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542 में, ठीक है। उसके बाद से हुमायूं इन्हें लेकर कहाँ चला जाता है? अपने के पास लेकर चला जाता है, ठीक। उनके चाचा जान कौन रहते हैं? अस्करी, जो काबुल और कंधार पे कमरान और अस्करी होते हैं, वहीं पे इनको छोड़ जाता है। 3 साल तक ये वो उन्हीं के संरक्षण में रहते हैं अस्करी के। और इसी समय जो होता है क्या करता है कि उनके जो आपके चाचा होते हैं अकबर के, ये इन्हें शिक्षा देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि कौन इन्हें पढ़ाई लिखाएगा। वो उन्हें फालतू का जो काम होता है एक नौकरों की तरह इन्हें ट्रीट करते हैं, बाकी सेनाओं की तरह ट्रीट करते हैं इनके, बाकी और सब कुछ ये सीख जाता है। इसीलिए जब हुमायूं वापस आता है तो इसे पढ़ाने के लिए जो है इनके गुरुदेव को अपॉइंट करता है, तो इसका मन लगता नहीं है क्योंकि शुरू से तो पढ़ा नहीं रहता है, तो इसे पढ़ने में मन नहीं लगता है। बाकी चीजों में इसका बहुत मन लगता है, बोल दिया जाए घुड़सवारी करने के लिए, तलवारबाजी करने के लिए, तो इन सबों में इसका बहुत ज्यादा मन लगता है। तो इसीलिए ये राजा जो था आपका क्या था? अनपढ़ था, मगर बहुत ही दिमाग वाला था, क्योंकि ये इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे नहीं स्थापित कर लेता। इसके पास धीरे धीरे इतने कम उम्र से ही एक्सपीरियंस, ये कुछ ना कुछ सीखता गया और यहीं से पता चला कि अपने एक्सपीरियंस के बल पर ही इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं, जब हुमायूं वापस आता है कहां से? ईरान से, वहां की सेना को लेकर कि भैया अब हमें फिर से दिल्ली पे कब्जा करना है। उसी समय आपका पहले, क्योंकि वहां के शासक से क्या हुआ था कि ये हुआ था कि भैया आप हमसे ये कहो कि मुझे अफगानिस्तान में जो आपका कंधार और काबुल है उसे मुझे दे दोगे जीतने के बाद, उसके बाद तुम अपना दिल्ली संभालना। तो इसी वजह से क्या करता है हुमायूं, कंधार और काबुल पर अटैक करता है। और उसी समय संयोगवश क्या होता है, अकबर जो है कंधार के जो आपके आपके शासक होते हैं कमरान, उनके हाथ लग जाता है। और ये क्या करता है कमरान, अकबर को गेट पे जो है कंधार के उस पे लटका देता है। और इधर हुमायूं की जो तोपें होती हैं धड़ाधड़ गोले चलाती रहती हैं, तो ऐसा लगता है कि अकबर की जान खतरे में पड़ जाएगी, मगर किसी बहुत इनका भाग्य सफल रहता है जाकि अकबर जो है बच जाते हैं। और उसके बाद से इनको जो है हरा दिया जाता है कंधार और काबुल पे, किसका आपका राज हो जाता है, हुमायूं का राज हो जाता है। वो फिर से ईरान के जो शासक है उन्हें दे दिया जाता है, बाद में जब वो भी मर जाते हैं तो फिर से ये मुगल शासक के अधीन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जब ये फिर से हुमायूं आते हैं दिल्ली के पास, वो मैंने बताया मच्छीवाड़ा युद्ध होता है, सरहिंद में युद्ध होता है। दोनों युद्ध होने के बाद आपका सिकंदर सूरी जो है भाग जाता है और यहाँ पे दिल्ली पे ये लोग फिर से मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो उसी समय फिर से क्या करता है आपका सिकंदर सूरी पंजाब भागा होता है, वहां पे विद्रोह पैदा कर देता है। जब विद्रोह पैदा कर देता है तो आपका अकबर जो है उन्हें और बैरम खां ये दोनों लोग वहीं गए होते हैं, और उसी समय पता चलता है कि इनके पिताजी की जो है डेथ हो गई है, कहां? दिल्ली में। तो वहीं पे बैरम खां क्या करता है इनका राज्याभिषेक कराता है। कहां कराता है? पंजाब का गुरदासपुर जिला है, ठीक है। गुरदासपुर जिले में कलानौर एक जगह है, वहां पे आपसे क्वेश्चन भी पूछता है यहां से कि किस जगह पे अकबर का पहले टाइम राज्याभिषेक हुआ था, तो गुरदासपुर जिले के कलानौर जगह है, वहां पे इनका 14 फरवरी डेट याद रखना 14 फरवरी 1556 में अबुल कासिम मिर्जा ने इन्हें क्या कराया था, राज्याभिषेक कराया था, इनको राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से ये अभी छोटे थे, क्योंकि ये कहा जाता है कि 14 साल से कम उम्र में थे, मतलब 13-14 साल के थे ये, तो ये शासन कैसे चला पाते। इसीलिए इनके संरक्षक जो है बैरम खां को नियुक्त किया जाता है कि राजा तो कहने के लिए अकबर रहेंगे,
लेकिन जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, क्योंकि अब 14 साल का बच्चा क्या डिसीजन ले लेगा, उसे क्या पता रहेगा, खेलने कूदने की उम्र होती है उस समय, वो क्या राजतंत्र चला पाएगा, क्या जानेगा कौन हमारे दुश्मन है क्या नहीं, मगर धीरे धीरे वो कुछ सीखता ही रहता है, क्योंकि और सिम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, राजनीति में उसे बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो हमेशा बैरम खा के साथ ही रहता है, तो इससे एक्सपीरियंस गेन होता रहता है कि कहाँ कौन सी चीज गलत है, क्या सही है, क्या लोगों के हित में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब अपने एक्सपीरियंस से वो सीखता है। तो कहा जाए तो 1556 से लेके 1560 तक जो शासन होता है वो बैरम खां का ही होता है, एक तरह से बोला जाए तो। कहने का राजा अकबर था, लेकिन जो काम करने वाला था वो कौन था, बैरम खां था, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं, ये अपने जी जान से पूरे ईमानदारी से सुल्तान की सहायता करते हैं, जो इनका राजधर्म होता है अपने राजधर्म पे रहते हैं, और जितने भी जो है विद्रोह होने की संभावना होती है उसे क्या करते हैं, ये कुचल देते हैं। जब ऐसे पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो उसी समय आपको मैंने बता दूं कि जो अफगानिस्तान में आपका एक जगह था, वहां पे उसका चचेरा भाई सरदार रहता है, वो विद्रोह पैदा कर देता है। वो चाहता है कि अकबर भी मेरे अधीन हो जाए, कंधार और काबुल भी मेरे अधीन हो जाए, चचेरा भाई रहता है, वो चाहता है कि ये लोग मेरे अधीन हो जाए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैरम खां जो है किसी को छोड़ता नहीं, धीरे वो बहुत अच्छा योद्धा था, और इसकी जो सैन्य नीति थी बहुत सही थी, बहुत बैलेंस वे में कोई काम करता था, ठीक। तो इसलिए वो भी क्या करते हैं, कुछ देर चुप हो जाते हैं, फिर बाद में अब बैरम खां धीरे 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 जो है अपना साम्राज्य जो है बढ़ाने में लग जाता है। तो यही बोला जाता है कि इन्हें बैराम खान को इनका संरक्षण बनाया गया, और बाद में चल के इसे खाने खाना की उपाधि दी गई। आपसे पूछा जाता है खाने खाना की उपाधि बैराम खान को दी गई थी अकबर के ये जब संरक्षण थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, उसी समय क्या होता है, अकबर का जाते हैं, अकबर का कहना, इतिहासकार यहाँ कहते हैं कि अकबर कह रहे थे कि भैया जो पिताश्री हमारे गए तो हमारे लिए जो है कांटों भरा मुकुट जो है छोड़ के चले गए। क्यों ऐसा कहें, क्योंकि राज्य में विद्रोह की जो है बहुत सारे विद्रोही पैदा हो गए थे, आपके पूरे के पूरे जो राजपूताने थे वो सब के सब विद्रोह कर दिए थे, अफगानी जो थे वो पहले से ही चाहते थे कि मुगल यहाँ से भाग जाए किसी तरह, तो शेरशाह सूरी ने उस पर कंट्रोल किया था, मगर जब शेरशाह सूरी मर जाता है तो सिकंदर सूरी को हराने के बाद दिल्ली पर फिर से मुगल वंश आ जाता है, मगर वो अफगानी अभी भी चाहते रहते हैं कि इन्हें कैसे दिल्ली से हटाया जाए। उसी सिलसिले में सबसे ज्यादा तंग करने वाले यही रहते हैं, उसी सिलसिले में आपके एक रहते हैं कौन, आदिल शाह, ठीक, सूरी, इनके जो एक बोला सा वजीर और वकील दोनों आपका सेम पद होता था, वो हेमू रहता है, ठीक है। वो हेमू काफी ताकतवर, काफी अच्छा योद्धा रहता है, काफी जंग जीत चुका रहता है अपने जीवन काल में। बोला जाता है कि हेमू ने टोटल 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 में उसने जीत हासिल की थी, और उसकी सेना भी काफी रहती है। तो वो क्या करता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता है, जो आदिल शाह रहता है उसका कि अब मुझे दिल्ली में आक्रमण करना है, अभी अकबर जो है छोटा है इसलिए समय है हमारे पास कि दिल्ली को हथिया ले, बैरम खां से अगर हम निपट लिए, और अभी ये लोग जो हैं कहाँ रहते हैं उस समय, पंजाब में रहते हैं, ठीक है, और पंजाब से ये लोग भी दिल्ली आते हैं क्योंकि इनके पिताश्री की मृत्यु हो गई रहती है, ठीक, और वहीं पे इनका राज्याभिषेक बैरम खां कर देता है। और इधर से आपके कौन, आदिल शाह सूरी का जो वजीर होता है हेमू, वो बढ़ता रहता है, ठीक, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचता है, आगरा में पहुंचता है, ठीक है, आगरा में पहुंचता है, और आगरा का जो आपका सूबेदार बोला जाए इस्कंदर खां इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है और हार मान जाता है, और ये इस्कंदर यहां से भाग खड़ा होता है, और आगरा से होते हुए आपका हेमू जो है पहुंच जाता है दिल्ली, और दिल्ली में फिर वहां का जो एक सूबेदार होते हैं तारदी बेग, काफी इनसे युद्ध होता है, फिर वो भी हेमू के सामने जो है अपनी हार मान जाते हैं, क्योंकि हेमू काफी तोप जो है लेके आया था, पूरी बड़ी मात्रा में सेना लेके आया था, और मेन इनका जो सेना नायक था बैरम खां वो तो अकबर के साथ पंजाब में फंसा हुआ था, और वो भी सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हम पहुंचे, पता चले आदिल शाह सूरी का राज न हो जाए, तो ये भी भाग खड़े होते हैं। और फिर ये लोग जो है आपके एक रात पानीपत के आसपास में
आपके कौन, स्कंदर खां और तारदी बेग जो है मिलते हैं। ठीक है, इसी सिलसिले में क्या होता है कि इसी बीच क्या होता है कि आपके हेमू का जो तोपखाना वाला, तोप वाले जो सैनिक थे, वो पहले आगे आगे चलते हैं कि अकबर को उधर दिल्ली आने से पहले उन्हें खत्म कर दिया जाए। ठीक, तो उसी समय अली कुली खां एक उनका सरदार होता है, वो क्या करता है, जो आपके तोप लेकर जो सेना जाती है उनको अपने कब्जे में कर लेता है। तो तोप जो है एक तरह से बोला जाए अब मुगल के कब्जे में हो जाता है, बाकी सेना पीछे रहती है हेमू की, वो आगे बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते हरियाणा के पानीपत के मैदान में ये लोग दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। उधर से आपका बैरम खां और अकबर भी आ जाते हैं। अब हरियाणा पहुंच गए पानीपत के मैदान में और यहीं पर आपका क्या हो गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, दूसरा युद्ध जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, 1556 में आपसे पूछा जाए तो। और दिल्ली पे जब हेमू आकर आक्रमण करता है, वो तारदी बेग जो भाग जाता है तो वो अपना कब्जा कर लेता है दिल्ली पर हेमू, और उसी समय वो अपना जो है टाइटल लेता है किसका, विक्रमादित्य का। तो कहा जाए हेमू जो है 14वां शासक था पूरे हिस्ट्री में जो विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, और लास्ट हिंदू रूलर भी इसे बोला जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सब फैक्ट याद रखना। ठीक, तो भैया ये लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, अब हरियाणा के पानीपत मैदान में पहुंच चुके हैं और यहाँ होगी अब लड़ाई खतरनाक वाली। ठीक है, अब एक चीज हेमू को जो तंग करती रहती वो कि इसका जो तोपखाना था वो मुगलों के हाथ में लग गया था, मगर अभी भी सैन्य जो इसके साथ थी वो सबसे ज्यादा थी। कहा जा रहा था कि इस युद्ध में हेमू ही जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए अकबर ने कहा कि भैया बैरम खां से कि दिल्ली छोड़ दो, हम लोग पंजाब की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मगर बैरम खां कॉन्फिडेंट था कि नहीं, हम मरते दम तक जो है दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, किसी तरह तो दिल्ली प्राप्त हुआ था, हम दिल्ली नहीं छोड़ सकते। और वो अपना युद्ध लड़ता है अपने तरीके से, और बोला जाता है हेमू जो है हाथी पर बैठकर आया था, और इसी समय जब लड़ाई लड़ता रहता है तो किसी मुगल सैनिक ने हेमू की आंख को निशाना बनाकर एक तीर मार देता है उसकी आंख पर, और जैसे ही आंख पर तीर लगता है हेमू जो है डायरेक्ट हाथी से नीचे गिर जाता है और काफी घायल हो जाता है। घायल होने के बाद एक महावत जो है उसे बचाकर किसी तरह निकाल के लेके जाता है, तब तक बैरम खां उसे देख लेता है। ठीक है, और जैसे देखता है कि ये बचा के लेके भाग रहे हैं भैया, तभी उसी वक्त क्या होता है उसे पकड़ के महावत को वहीं मार देता और हेमू के गले पर जो है तलवार रख लेता। पहले तो अकबर तलवार रखते हैं, अब भैया छोटा सा लड़का रहता, 16 साल का उम्र हो जाता है उसका, तो मारने उड़ने में तो उतना वो रखता नहीं, खाली तलवार रखा रहता है गर्दन पे। तब तक बैरम खां आता, अपना तलवार निकालता और सर धड़ से अलग कर देता है हेमू का। ठीक है, इतना तेज उसकी रफ्तार आता, और यहीं पे मतलब बोला जाए संयोग वश कि आपका हेमू जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में हार जाता है। इतिहासकार कहते हैं इसको लेकर कि हेमू बहुत ताकतवर था, कई युद्ध भी लड़ा था, सेना भी अच्छी थी, तो हारा क्यों। तो इसे कहा जाए तो अकबर के हिसाब से कि कहते हैं कि अकबर पे देवी कोई जो है प्रकोप हो गया था, कोई चमत्कार हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ कि अकबर जीत गया और हेमू का दुर्भाग्य था कि वो हार गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया वो कौन कहते हैं, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ, ठीक है, इसमें अकबर पे कोई देवी चमत्कार हो गया ताकि उसकी सेना जो है जीत गई। ठीक, क्योंकि उसे भाई बड़ा साम्राज्य स्थापित करना था, इसे मान सकते हो। अब आगे आपके फिर पानीपत से ये दिल्ली आते हैं और दिल्ली का राज भार जो है इनके ऊपर रहता है, एक तरह से ये राजा घोषित हो जाते हैं, बाकी बैरम खां ही सब कुछ संचालित करता है। आपसे क्वेश्चन आता है कभी कभी अकबर से कि अकबर के समकालीन में, ठीक है, पूरे विश्व में कौन कौन था, तो वो देख लीजिए, मैं आपको एक टेबल बनाया हूं कि जब जिस समय हिंदुस्तान में अकबर रूल कर रहा था उसी समय आपके महारानी एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड में थी, इनका कार्य 1558 से 1603 तक था। ठीक, उसके बाद सम्राट हेनरी IV थे, फ्रांस में थे 1553 से 1610, शाह अब्बास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समकालीन, कि विश्व में पूछ दिया कि फ्रांस में अकबर के समकालीन कौन थे, ऑप्शन दे देगा आपसे, तो आप याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि सम्राट हेनरी थे, तो आप मार दोगे आंसर। उसके बाद से आपके शाह अब्बास होते हैं ईरान में, अजराइवान बेसिल रूस एविच होता है, रूस में होता है, कौन, बेसिल एविच।
बेसिल एविच कहाँ होता है? वो रूस में होता है। इनके समकालीन जो है ये लोग सम्राट थे विश्व में। आगे बढ़ जाते हैं, और बैरम के जो टाइम का जो 56 से 60 था उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सब कुछ सही चलता रहता है, बैरम खां की और अकबर के बीच जो है सब कुछ जो है सही चलता रहता है। बीच में क्या होता है कि पूरे राज दरबार में एक गुट और पैदा होने लगता है। क्यों पैदा होने लगता है? कि बैरम खां की शक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पे कि अब बैरम खां के ही हाथों में सभी सत्ता है, तो दूसरा गुट बनने लगता है। जानते ही हो राजनीति में ऐसा ही होता है, बिना गुट बने तो काम ही नहीं चलता है। तो ऐसा लगता है कि अब बैरम खां के हाथों में अगर सब शासन चला जाएगा तो हमारा तो कुछ नहीं होगा। इसी जो है सिलसिले में इन एक जो है इनका धाई मां रहती हैं, जो महान अंगा नाम रहता है, उनकी उनके बेटे और उनके जो पति होते हैं मिलके एक जो है गुट बनाते हैं, और वो अकबर को भड़काने का काम करने लगते हैं। और भी जो सरदार होते हैं अमीर, वो भी भड़काने लगते हैं कि बैरम खां ऐसा हो गया है। तो जब भी अब कभी कोई बात होती थी बैरम खां और अकबर में, तो छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगता था। कुछ भी बोलते थे तो अकबर को लगता था ये मुझे आके सलाह दे रहे हैं, मैं ही तो राजा हूं, ईगो वाली बात आ जाती थी अकबर में भी, क्योंकि लोग उसे कानो कान भरने लगे थे। ठीक है कि नहीं, आप राजा हो, आपकी ज्यादा वो होनी चाहिए, ठीक बैरम खां ये गलत कर रहा है, ऐसा मतलब एक दूसरे के, इसकी शिकायत उससे करना, इसकी शिकायत उससे करना, चुगलखोरी जो है एक तरह से चालू हो गया था। और इसी सिलसिले में फिर जो है अकबर एक दिन गुस्सा होता है और दिल्ली पे जाता है आगरा से, और उसी समय क्या करता है, बैरम खां को जो है वजीर का जो पद गया रहता है वहां से बर्खास्त कर देता है, और उनके सामने ऑप्शन रखता है कि भैया आप कहाँ चले जाओ, मदीना चले जाओ, मक्का मदीना की हज यात्रा करने चले जाओ। उसी क्रम में ये आपके आगे बढ़ते हैं कि मक्का मदीना के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं। मन में इनको बहुत वैसे रहता है कि भैया ऐसे अकबर मेरे साथ, मैंने इतना कुछ किया मुगल साम्राज्य के लिए और मुझे ऐसे बर्खास्त कर दिए बिना कुछ बताए होता है, चलो ठीक है मान लिया। उसके बाद से चलता रहता है। उसी समय इनके पीछे एक सैनिक को अकबर लगा देते हैं कि यार इनको जल्दी से जल्दी जो है हमारी सीमा से बाहर करो। अब ये बात बैरम खां को जो है क्या हो जाती है, खटक जाती है कि मेरी इतनी इज्जत, मतलब इतना इज्जत करता है कि अकबर की मुझे तुरंत बाहर निकालने के लिए बोल दिया, तो वो अपना अपमान सोचता है। और उसी वक्त क्या करता है, उनसे जो उनके सैनिक आए रहते हैं उन्हें खदेड़ने के लिए युद्ध कर बैठता है। और कहां बैरम खां की इतनी हिम्मत की जो है मुगल सैनिक से जीत पाए, और वहीं पे आपका युद्ध होता है और हार जाता है। हारने के बाद उसे कैद कर लिया जाता है, फिर से आपको दिल्ली उन्हें ले जाया जाता है अकबर के सामने। तो जो युद्ध हुआ था, कभी अगर आपसे पूछे तो याद रखना, तलवाड़ा का युद्ध बैरम खां और मुगल सैनिक के बीच में हुआ था। तलवाड़ा का युद्ध हुआ था, पंजाब के पास ये जगह है, वहीं पे ही हुआ था। फिर इन्हें बैरम खां को अकबर के पास ले जाया जाता है, और बैरम खां के ऊपर थोड़ा दया, जानते हैं इतने साल तक मेरे साथ थे, पिता समान हैं, ठीक है, तो इन्हें जो है छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, जो एक कठोर दंड न दिया जाए। तभी भी अकबर जो इनके सामने तीन ऑप्शन रखता है, तीसरों ऑप्शन में ये होता है कि आप पहला तो जो गुप्त विभाग है उसका आप अध्यक्ष बन जाओ, ठीक है, या चंदेरी का जो है आप क्या बन जाओ, कंपा या चंदेरी का जो है कल्पा या चंदेरी का सरदार बन जाओ, तीसरा होता है आपके पास ऑप्शन कि आप कहाँ चले जाओ, मक्का और मदीना की यात्रा करने चले जाओ चचा जान। तो जो उनके बैरम खा होते हैं भैया, वो कहते हैं कि नहीं है ये सब, क्योंकि वो सब चीजें छोटा पद लगने आता है, कहाँ प्रधानमंत्री के पोस्ट पर रहता है और किसी को सरदार बना दिया जाए, सिपाही बना दिया जाए, तो उसे कहाँ बर्दाश्त होगा। तो कहता नहीं, मैं सिर्फ हज यात्रा ही जाना पसंद करूंगा, और वहीं से वो हज यात्रा के लिए निकल जाता है। और जाते समय गुजरात के आसपास, ठीक है, इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, वो हत्या कौन करता है, अफगान के जो कुछ सैनिक होते हैं जिनमें जिनका नाम रहता है मुबारक खान, ये अफगान के सरदार रहते हैं, इनके पिताश्री को बैरम खान ने मछुआरा का जो युद्ध हुआ था 1555 में मार दिया था, जिसके कारण ये देखता रहता कि कब बैरम खान मेरे सामने आए और कब मैं इन्हें खत्म कर दूं। तो ये शुभ अवसर मिल जाता है मुबारक खां को जब ये मदीना जा रहे थे, उसी समय गुजरात के पाटन जगह पर, ठीक
ठीक है, इनसे भिड़ जाता है और इनकी हत्या कर देता है, और इस तरह हम कहें तो बैरम खा की मृत्यु हो जाती है और इनका जो है समय काल समाप्त हो जाता है। तो क्या होता है, इनके जो पुत्र और इनकी बीवियों की जो स्थिति हो जाती है दयनीय हो जाती है। तो अकबर थोड़ा रहम खाता है और इनके बीवी से जो है शादी कर लेता है और इनके पुत्र को अपना लेता है, अपने पुत्र की तरह उनके देखभाल करता है और उसे बाद में चल के खाने खाना की उपाधि देता है। ठीक है, अब्दुल रहीम नाम था उसका, ठीक, पुत्र का नाम, जिसे बाद में चल के खाने खाना जो इसके पिता थे जिस पोस्ट पे, उसी पोस्ट पे ये भी पा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां से जो शुरू होता है, क्योंकि जो गुटबंदी हो गई थी आपके राज दरबार में, उस गुटबंदी में जो महान अंगा थी उनका जो है शासन शुरू होता है, क्योंकि अकबर अभी भी इतने बड़े नहीं रहते हैं, किसी न किसी का संरक्षण चाहिए था। तब इसी को जब महान अंगा का मतलब एक तरह से बोला जाए, स्त्रियों का जो शासन शुरू होता है उसी को इतिहासकार पर्दा शासन या पेटीकोट शासन आपसे कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन भी आता है कि पेटीकोट शासन की शुरुआत कहाँ हुई थी, कब से कब तक पेटीकोट शासन था। ठीक, तो 1556 आपके ये कब तक था, ये तो 60 तक था, और 60 से लेकर 2 साल तक 62 साल तक ये जो है पेटीकोट शासन आपका था, जहां पे राज दरबार की स्त्रियों का शासन चल रहा था। तो उसमें कौन था मेन मुखिया जो थी, धाई अम्मा जो थी उनकी महान अंगा थी, उनके पुत्र आदम खां थे, पुत्री जीजा अंगा थी, ये तीनों लोग मेन थे। ठीक है, ये लोग पूरा सैनिक बना के सब कुछ अब इनके हाथ में था, राज चलाना, निर्देश देना, उसको फॉलो कराना, सब कुछ इनके हाथ में था। धीरे धीरे जब जैसे जैसे अकबर आगे बढ़ मतलब बड़ा होता जाता है, उसे समझ में आता रहता है कि सब मेरा यूज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बैरम खां ने यूज किया, अब ये महान अंगा है मैं यूज कर रहे हैं, अब इनके हाथ में हम कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। जब उसे ये सब समझ होती है तो वो अब ऐलान कर देता है कि भैया मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैं ही जो है अब राजतंत्र जो है संभालूंगा, किसी की आवश्यकता नहीं है। उसी सिलसिले में ये कब होता उसे एहसास कि ये लोग मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं। ये पहली बार जब इसे कौन था, आदम खां को 61 में युद्ध करने भेजता है। कहां पे भेजता है, मालवा पे भेजता है। ठीक है, उसी समय जब ये मालवा पे युद्ध करता है और जीत हासिल कर लेता है तो जो वहां से धन दौलत इसे प्राप्त होता है ये बताता नहीं है अकबर को कि भाई साहब मुझे इतना पैसा मिला है, और इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है अकबर और जान जाता है इनका षड्यंत्र कुछ ना कुछ चल रहा है मेरे पीछे, और इसी वजह से इस आदम खां को मरवा देता है। ठीक, और इनकी भी मृत्यु हो जाती महान अंगा की भी, और इसी तरह ये 1.5 साल बाद पूरा तरह ये पेटीकोट शासन समाप्त हो जाता है और खुद अकबर ऐलान कर देता है कि मैं बड़ा हो गया हूं और मैं ही अब अपने ढंग से जो है शासन चलाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है शासन चलाने का। और जब ये अपने हाथ में सब कुछ ले लेता है तो बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से अपना जो है शासन चलाता है। चलो ठीक है, अब पता चल गया। और उसी पेटीकोट शासन के समय में ही 62 में जैसे समाप्त होता है और जैसे ही अकबर आता है, वो सबसे पहले आते ही क्या क्या काम कर देता है, 62 में अकबर दास प्रथा को खत्म कर देता है कि कोई अपना किसी को दास नहीं बना सकता, कोई दास नहीं रख सकता। ठीक है, 63 में क्या करता है, तीर्थ यात्रा पर कर लगने वाला जितना भी कर लगता है, बनारस यात्रा जाना होता था, कहीं की भी अगर आपको यात्रा करना होता था तीर्थ, उस पर जो कर लगता था उसे बंद कर देता है, और साथ ही साथ जो ये जजिया कर लगाया गया था उसे भी क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, ये गैर मुस्लिमों पर लगता था, हिंदुओं पर लगता था, ये ब्राह्मण पे कब लगा था, जब फिरोज शाह तुगलक आया था। ठीक है, ये याद रखना, जजिया के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके शुरू से कि पहले इसे इम्पोज कौन किया, ब्राह्मणों पर कौन लगाया, इसे बैन कौन किया, तो अभी फर्स्ट टाइम कौन किया, अकबर ने किया, इसके बाद से फिर इम्पोज कौन कर देगा, औरंगजेब कर देगा, फिर बाद में इसे रंगीला जो है समाप्त कर देता है। ठीक है, तो ये 64 में जजिया कर को समाप्त कर देता है, और इस तरह से लगने लगता है कि अकबर कितना जो है दयालु राजा है। तो यहीं से जनता जान जाती है बहुत उदार शासक है अकबर, और ये सही में उदार रहता है, ऐसा नहीं है कि ये सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। जैसे अभी तक हमने जो पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, और भी जो मुगल काल के शासक पढ़े, तो उसमें जो है
कहीं ना कहीं हिंदुओं को धर्म को लेकर कट्टरता रहती, मगर इसके अंदर क्योंकि ये शुरू से ही कहा इसका लालन पासन हमेशा राजपूतों के बीच में रहा, ठीक, तो ये सभी चीजों को जानता रहता है, इसीलिए इतिहास में महान कहा गया। बाकी और राजा तो महान कहे नहीं गए, ये मुसलमान शासक होते हुए भी महान कहा गया, तो इसका मतलब इसकी जो उदार नीति थी बाकियों से आपके जो है अच्छी थी, इसी वजह से इसे उदार आपका महान कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जब ये शासक बना अपना पूर्ण रूप से कि अब सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, तो अब ये अपने हिसाब से शासन करेगा और अपने जो साम्राज्य को विस्तार करेगा, और साम्राज्य को विस्तार करने में क्या होता है भाई कि जो जो लोग विद्रोह कर रहे थे उन्हें तो दबाना पड़ेगा, जैसे अफगानी थे, राजपूताने थे, ठीक, वो पहले ऐसा नहीं था कि आक्रमण की ही नीति से ये सब में अपने, इसकी दो चीजें थी भैया, या तो आप प्यार से मोहब्बत से चले आओ हमारे सामने, ठीक, मैं कुछ नहीं करूंगा, या फिर तलवार की नोक पर जो है आपको मैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली के अंतर्गत कर लूंगा। तो जो लोग जैसे राजपूतानों के साथ इसका जो है अच्छा व्यवहार था, इसीलिए राजपूताना जो जितने लोग थे वो सब लोग वैवाहिक संपर्क के अंतर्गत कुछ ही को मित्रता के अनुसार इनको अपने में शामिल कर लेता है, मगर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अड़ियल स्वभाव के थे, ठीक है, जैसे राणा प्रताप हुए, ठीक, वो लोग जो है लास्ट तक एकदम कि हम नहीं मुगल के अधीन नहीं होंगे, तो वो युद्ध ही चलता रहा उनके बीच, ठीक, तो ऐसे भी तो इसने कुछ युद्ध के माध्यम से, कुछ आपके आपसी जो है समझौते के माध्यम से सबको अपने अंतर्गत, दिल्ली के अंतर्गत कर लिया। तो पहला जो आक्रमण करता है अपना साम्राज्य विस्तार में वो कहां करवाता है, मालवा पे कराता है, ठीक है, और मालवा पे कहां कौन करता है, अकबर के तरफ से जो आदम खा रहता है, महान अंगा का जो पुत्र रहता है वो कहां आपका मालवा पर आक्रमण करता है 61 में, और यहां पे जो इनके राजा होते हैं मालवा के वो कौन थे, बाज बहादुर। इन्हें राजपाट से तो कुछ मतलब नहीं रहता है, इनकी और ये इनकी और इनकी बीबी ये दोनों लोग पूरे के पूरे संगीत में मस्त होते हैं, संगीत से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार रहता है, जिसके कारण ये लोग राजपाट का ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण क्या होता है कि अकबर की सेना जब इनके राजधानी में प्रवेश कर जाती है, कौन सी जगह, सहारनपुर इनकी राजधानी थी मालवा की, जब वहां प्रवेश कर जाती है तब इनकी आंखें खुलती हैं, तब ये जल्दी जल्दी अपनी सेना लेते हैं और सहारनपुर पहुंचते हैं और वहां पर युद्ध होता है। आदम खां जो है बाज बहादुर को जो है मार गिराता है, और उसी क्षण क्या होता है, जो इनकी बीबी होती हैं रूपमती, जब देखती हैं कि मेरे पतिदेव समाप्त हो चुके हैं, तो ये भी अब क्या करती हैं, जहर खा के सती हो जाती हैं एक तरह से। और इन दोनों लोगों का जो बोला जाए मकबरा, एक तरह से बोला जाए, इन लोगों का कहाँ है, कहाँ दफनाया गया था, तो इन्हें उज्जैन में समाधि जो बोला जाए वो कहाँ है, उज्जैन में है, ठीक है, ठीक। तो पहला आक्रमण इनका सफल रहता है। दूसरा आक्रमण ये कहाँ करते हैं, दूसरा आक्रमण करते हैं चुनार के किला पर, जो यूपी में है, मैंने बताया था इस पर भी, शेरशाह सूरी जब को हुमायूं घेरता है चुनार पर 32 में, तो यही चुनार है वो, ये भी जो है क्या होता है स्वतंत्र हो गया रहता है, अफगानों के हाथ में चला गया रहता है। तो फिर चुनार पर ये 61 में हमला करते हैं, जिसका मुगल सेना का नेतृत्व तो जो करता है वो आसफ खां करता है, और आसफ खां जो है चुनार पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक। आगे बढ़ती है सेना, तीसरा जो आक्रमण इनका होता है वो होता है गोंडवाना क्षेत्र पे। गोंडवाना क्षेत्र कौन सा था, मैं आपको एक बार पीछे से मैप में दिखा दे रहा हूं कि गोंडवाना क्षेत्र कौन सा था आपका, कहां चला गया, हाँ ये मैप आपको क्लियर हो रहा होगा यहां से, ठीक है। अब इसमें ये जो गोंडवाना क्षेत्र है, ये देखिए ये वाला क्षेत्र है आपका बंगाल बिहार से सटा हुआ है, तो ये चुनार के बाद इसी पर आक्रमण होता है गोंडवाना पे, यहां आपका अहमदनगर, यहां पे भी आपका होता है, गोलकोंडा में भी होता है, और तभी तो इतना बड़ा ये साम्राज्य इनका स्थापित होता है। तो ये सब यही क्षेत्र था, ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया कि गोंडवाना ये वाला क्षेत्र था। अब बढ़ जाते हैं हम अपने आक्रमण पर कि हमारा आक्रमण कहां था, गोंडवाना पे था, जैसे कि ब्राइटनेस कर लें, ठीक है। 64 पे यहां युद्ध होता है, अकबर
कि जो सेना होता है उसका नेतृत्व तो कौन करता है? आसफ खां करता है। जो चुनार पर विजय प्राप्त करता है वही आके 64 पे आपके कहां गोंडवाना पे अटैक करता है, और गोंडवाना पे अटैक करते समय यहाँ पे जीत हासिल कर लेता। और यहीं पे जो है एक तरह से बोला जाए कि जो इसकी राजधानी थी जबलपुर के पास एक चौरागढ़ जगह था, ठीक है, जबलपुर के पास स्थित एक चौरागढ़ जगह था जहां की शासिका जो थी महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। यहां से इनकी सेना जो है आसफ खां और दुर्गावती की लड़ाई होती है, और दुर्गावती जो है इसमें जब देखती है कि मैं हार रही हूं तो वह आत्महत्या कर लेती है। जो सीने में काफी वीरता से ये लड़ती है, और जब ये इसको महसूस होता है कि अब मेरे बस में ये नहीं रहेगा, मैं हार जाऊंगी, तो ये क्या करती है, सीने में जो है खंजर घोप के आत्महत्या कर लेती है। क्योंकि उस समय जिस समय ये जो किसका आपका गोंडवाना जो क्षेत्र था उसका रक्षा करती रहती है, क्योंकि उस समय इसका पुत्र जो है छोटा रहता है जिसका नाम रहता है वीर नारायण, इसी की संरक्षक रहती है और यही वहां का राजा रहता है। लेकिन छोटा रहता है तो संरक्षक के तौर पर यही पहले युद्ध लड़ती है, और देखती है जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है तो आत्महत्या कर लेती है। इस तरह से गोंडवाना भी आपका किसके अकबर के कब्जे में आ जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं चौथा, जब इनका आक्रमण का जो है सिलसिला चालू है, वह बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। इनकी सेना जो है अब कहाँ कूच करती है, राजस्थान की तरफ कूच करती है, और राजस्थान के जितने भी आपके प्रांत हैं उनको क्या करती है अपने में समाहित कर लेती है। और उसमें राजस्थान में जब ये अटैक करने बढ़ते हैं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिंपल तरीके से आपके व्यवहारिक संबंध से जो है अकबर के अधीन हो जाते हैं। तो उसमें जो जो थे आपको देख लेते हैं। पहला जो इनकी सेना जो है पहुंचती है कहां, आमेर में पहुंचती है। आमेर में पहुंचती है तो आमेर की जो शासक होते हैं क्या नाम होता है इनका, भारमल, जिसे बिहारी मल भी कहते हैं। ये पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता जो है स्वीकार कर लिया। और उसी समय अकबर भी जो है कहां आए होते हैं भैया, आज में अजमेर आए हुए होते हैं, कहां पे मुइद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे आए होते हैं दर्शन करने। उसी समय जो है आपके अजमेर के राजा भरमाल जो है उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि सुल्तान बादशाह आप हमारी बिटिया से जो है शादी कर लीजिए, ठीक है, तो ये मान भी जाते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं, जिनका नाम था क्या, हरखा भाई, बाद में ये जोधा भाई बन जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला आक्रमण जो होता है इनका वो मेड़ता पे होता है 1562 में, ठीक है, ये मेवाड़ में पड़ता है जगह मेड़ता। यहाँ पे जो है मुगल सेनापति सरफुद्दीन था जो मेवाड़ के जागीरदार जयमल को हरा दिया और इस मेड़ता को अपने अंतर्गत कर लिया। आगे सेना बढ़ती है, फिर जो आपका तीसरा आक्रमण जो राजस्थान में होता है वो मेवाड़ पे होता है। ठीक, तो मेवाड़ के जो राजा होते हैं, ठीक है, उदय सिंह, उनको जब पता चलता है कि मुगल जो है आक्रमण सिलसिला जारी है तो वो अपना सब कुछ राजपाट अपने सामंतों के कहने पर किसके हाथों में, जो आपके किला के जो रक्षा करने वाले होते हैं जयमाल और फतेह सिंह, इन दोनों के हाथों में सौंप कर जंगल में भाग जाता है। और ये दोनों जयमाल और फतेह सिंह, कहीं कहीं आपको जयमाल मिलेगा कहीं जयमल मिलेगा, तो याद रखना, और फतेह सिंह बहुत बहादुरी से मुगल सेना का जो है सामना करते हैं, और यहाँ पर इन दोनों की जो है मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते। और इनसे खुश होकर, इनकी लड़ाई से खुश होकर जो है अकबर आगरा में इनके नाम से जो है क्या बनवा लेता है, मूर्तियां बनवाता है, हाथियों पर बैठकर इन वीरों की साथ जो है इनकी प्रतिमा बनवा देता है, कहाँ पे, आगरे के किले में। ठीक, ऐसा इनसे प्रभावित हो जाता है इन दोनों की लड़ाइयों से। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले पर, जब मेवाड़ में के बाद जो चित्तौड़गढ़ था और इन्हीं के बाद जो है आपका एक तरह से बोला जाए राणा प्रताप जब आते हैं, जब ये भाग जाते हैं उदय सिंह, और उदय सिंह आने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ आपका 72 के आसपास में, तो जो राजा बनता है चित्तौड़ का वो बनता है कौन, राणा प्रताप बनता है। और राणा प्रताप ये प्रतिज्ञा लिया रहता है कि जब तक जो है आपका
चित्तौड़ को, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ पर ये कब्जा कर लेते हैं कौन, मुगल। तो चित्तौड़ को पाने के लिए इसका जो पुत्र रहता है उदय सिंह का, वो कहता है कि जब तक चित्तौड़ को हम पा नहीं लेंगे तब तक ना मैं अन्न खाऊंगा ना ही बिस्तर पे सोऊंगा। इसी वजह से ये प्रतिज्ञा इसकी काफी महंगी पड़ती है और ये छोड़ता नहीं है लास्ट तक, तो ये हार नहीं मानता। कई बार अकबर चाहते हैं कि ये घुटने टेक दे, आके हमें मिल जाए, मगर ये ईगो इसका जो होता है ना सामने आ जाता है। इसी वजह से ये बाद में हल्दी घाटी का जब इसके इसके सामने युद्ध होता है तो ये अपना वहां से छोड़ के किसी तरह भाग जाता है और उस कुछ साल जंगलों में रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बढ़ जाते हैं आगे, हम देख लेते हैं अब अगला अटैक कहाँ होता है। अब जब मेवाड़ पे आक्रमण कर दिए उसी समय वहां के चित्तौड़ की विजय के बाद ये क्या करते हैं अकबर जो है फतेहनामा जो है जारी करते हैं आगरा में आने पर। उसके बाद से अगला जो है आपका आक्रमण का सिलसिला होता है वो कहाँ होता है, रणथंभौर पे होता है 1569 में। यहाँ के राजा रहते हैं सूरज नारायण हांडा। इसके विरुद्ध अकबर के सेनापति भगवान दास लड़ते हैं और इसे भी हरा देते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं। अगला आक्रमण होता है कलिंजर पे, ठीक। यहाँ पे मुगल सेनापति होते हैं मंजून खा और कलिंजर के शासक होते हैं रामचंद्र। इन दोनों में युद्ध होता है और ये भी हार जाते हैं, रामचंद्र भी और कलिंजर भी अकबर के अधीन आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका अटैक होता है मारवाड़ में, मारवाड़ के शासक होते हैं चंद्रसेन। ये बिना युद्ध किए क्या होते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अगला बढ़ते हैं, अगले पर अटैक करती है सेना जैसलमेर में 1570 में, और यहाँ के शासक जो है हर राय रहते हैं वो स्वेच्छा से क्या करते हैं, इनके अधीन आ जाते हैं। फिर सेना बढ़ती है उसी समय 70 में बीकानेर पे, वहां पे रहते हैं कल्याणमल, ये भी स्वेच्छा से क्या करते हैं अकबर के अधीन आ जाते हैं। देखो कितने रामा जानते हैं कि जब इतने बड़े बड़े नहीं टिके तो हम किस खेत के मूली हैं, ठीक। उसके बाद से आपके जो राणा प्रताप होते हैं ये तो जल्दी आते नहीं है, ठीक, मेवाड़ के, क्योंकि मेवाड़ का कुछ जगह के सिर्फ चित्तौड़ पे इन्होंने कब्जा किया था, मेवाड़ पूरा नहीं कब्जा किया था। तो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से ये कई बार युद्ध लड़ते हैं। उसी समय जो आपकी हल्दी घाटी है वहां पे एक बार इनका राणा प्रताप का और मुगल सैनिक का जो है आमना सामना होता है 18 जून 1576 में। दोनों लोग लड़ते हैं, मान सिंह उधर से नेतृत्व करते रहते हैं आपके मंगोल मुगल सेना का, और इधर से आपके रहते हैं कौन, ये राणा प्रताप रहते हैं। दोनों के बीच में काफी बड़ा भयंकर युद्ध होता है। जब देखता है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा तो इन्हीं के बीच का मतलब महाराणा प्रताप का एक सैनिक जो है कहता है कि आप अपना वस्त्र मुझे दे दीजिए ताकि ऐसा लगे कि मैं ही राजा हूं और मैं लड़ता रहूं, आप पीछे से भाग जाइए। और यही होता है कि वो सैनिक क्या करता है, इनका जो वस्त्र होता खुद पहन लेता है और ऐसा लगता है कि राजा लड़ रहा है, और वो चुपके से क्या करता है रणभूमि छोड़कर जंगलों की तरफ राणा प्रताप अपने चेतक पे सवार होकर भाग जाता है, ठीक। और उस युद्ध में जब हार होती है तो देखा जाता है भैया ये तो कोई सैनिक था उन्हीं के बीच का, ठीक। तो ये भागता हुआ फिरता है और गोरिल्ला वार वाला सिस्टम जो है चालू रखता है कि छिप छिप के हमेशा अटैक करता रहता है, और उसी के समय में आपका समय बीतता जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ लास्ट तक कहा जाए तो अकबर के कब्जे में नहीं आता है, ये जहांगीर के टाइम में मेवाड़ पर कब्जा किया जाता है पूर्ण रूप से, ठीक। अगला जो अभियान होता है वो कहाँ होता है अकबर का, गुजरात पे होता है, क्योंकि गुजरात का अभियान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां से व्यापार करना था अकबर को भारी मात्रा, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट थे आपके बंदरगाह थे उन्हें का अपने कब्जे में करना था ताकि व्यापार इनका सही ढंग से सुचारू रूप से चल सके। तो अब इनका मेन अभियान जो चालू होता है वो गुजरात की तरफ चालू होता है अपने पूरे सैनिक के साथ। पहले 1571 में पहला अभियान होता है गुजरात पर। यहाँ पे इस समय यहाँ का शासक था मुजफ्फर खा तृतीय, ठीक। इस अभियान में मुगल का सेनापति था आजम, ठीक है, जिसे आजीज कोका भी कहा जाता था। उसके बाद से दूसरा अभियान होता है 1572 में, उस समय गुजरात का जो शासक होता है वो मिर्जा हुसैन होता है। उस समय इसके जो विरुद्ध आता है वो खुद अकबर ही आता है, और 1572 में इस अभियान में जो है आपको विजय मिलती है अकबर को, और इसी समय कहा जाता है
कि अकबर ने पहली बार जो है समुद्र के दर्शन किए थे और पुर्तगालियों व्यापारियों से ये पहली बार था मिला था यहाँ पे, ठीक है, 1572 में जब ये गुजरात गया था और आक्रमण किया था। और गुजरात अभियान करके आने के बाद ये 71 के आसपास में आपका फतेहपुर सिकरी शहर जो है वो बसाता है उत्तर प्रदेश में, और यहीं पे जो है जब दूसरा अभियान आपका गुजरात में ये जीतता है अकबर, और वहीं पे अपना क्या है एक जो है सिकरी में एक बुलंद दरवाजा बनवाता है, ठीक। और ये किस स्मृति में बनवाता है, जब ये 1572 में गुजरात पर अभियान किया अकबर ने खुद और जीत गया, उसके स्मृति में ये क्या बनवाता है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनवाता है। आगे बढ़ जाते हैं, अब इसका अगला अभियान होता है बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल ये यहाँ पे जो शासक थे वो मेनली कौन थे, अफगानी थे। धीरे धीरे अफगानी जो है आदिल से शाह सूरी जो होता है वो क्या होता है, वहां से जब इस पे जब हेमू हार जाता है तो ये भाग जाता है, कहाँ की तरफ, बंगाल की तरफ भाग जाता है, ठीक। फिर बाद में वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ जो आपके अफगानी होते हैं वहां बंगाल में रहते हैं उन्हीं में से उनका एक पुत्र रहता है दाऊद, ठीक, उसका राज रहता है कहां पे, बिहार और बंगाल में। तो जब बिहार पर अटैक करते हैं अकबर की सेना, तो उस समय दाऊद जो है क्या करता है, सरेंडर कर देता है, कहता है कि ठीक है हम आपके अधीन हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि ये दाऊद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और बिहार और बंगाल पे फिर से क्या करता है, अपना पूरा तरह से स्वतंत्र राज करने लगता है। फिर ये अकबर को पता चलता है, अकबर अपना सेना फिर से भेजता है और इसे जो है मार दिया जाता है दाऊद को, और फिर अपना क्या करता है, बिहार और बंगाल पूर्ण रूप से किसके अंतर्गत आ जाता है, अकबर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। सातवां ये अटैक करता है कहाँ पे, काबुल पे, अफगानिस्तान में जो काबुल जगह है वहां पे, कंधार और काबुल जो जगह था वो इसका भाई जो रहता अकबर का, ठीक है, वहां पे ये शासक रहता है चचेरा भाई जिसका नाम रहता है हकीम मिर्जा, ठीक है, हकीम मिर्जा यहाँ का शासक रहता है, ठीक। उसको मानसिंह और अकबर ने हराया, ये दोनों लोग जाते हैं इससे लड़ने के लिए, उसको हरा देते क्योंकि इसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी थी, हकीम मिर्जा की ख्वाहिशें बढ़ने लगी थी, ये अपने आप को दिल्ली का बादशाह समझने लगा था। और कुछ लोग थे इसके साथ जो इसके चढ़ाते थे, कोई जैसे दिल्ली से ही कुछ लोग पत्र व्यवहार के थ्रू हकीम मिर्जा से संपर्क करते थे, भैया आप ताकतवर हो, आप अकबर को पलट सकते हो, अकबर का जो है पूरा हिस्ट्री बदल सकते हो, आप ही दावेदार हो उस गद्दी के, तो ऐसे इसे भरा जा रहा था। और ये जो है तैयारी भी कर रहा था एक तरह से दिल्ली की तरफ रुख करने का और लड़ाई करने का। उसी समय जब पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो अकबर जो है पहले ही प्लानिंग कर लेता है और मान सिंह के साथ चल के इसे जो है हरा देता है काबुल पे और अपना अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद जो इसकी जो चचेरी बहन होती है अकबर की, जो क्या नाम रहता है उसकी, बख्तुनिसा, ठीक है, अकबर की जो चचेरी बहन और एक तरह से बोल सकते हो हकीम मिर्जा की बहन, सगी बहन जो है बख्तुनिसा को काबुल का गवर्नर, ठीक है। अकबर इन पर अटैक करता है और इनकी जो ख्वाहिशें बढ़ने लगती है, भाई थे तो क्या हुआ, मगर जब ख्वाब बहुत बड़ा देखने लगेंगे तो हराना तो पड़ेगा ही, तो हार जाते हैं। हारने के बाद इनसे गद्दी छीन ले जाती है काबुल की, और इन्हीं की बहन जो है और अकबर की सौतेली बहन जिसका नाम बख्तुनिसा था काबुल का गवर्नर, उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। और ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और अगला जो है आक्रमण होता है वो कश्मीर को लेकर होता है। कश्मीर पर आक्रमण होता है, अकबर की सेना करती है, कश्मीर के शासक यूसुफ खां, याकूत खां को मुगल सेनापति कासिम खां तथा भगवान दास ने हराया। कश्मीर के जो शासक होते हैं यूसुफ खां और याकूत खां को जो है अकबर के आपके जो सेनापति होते हैं कासिम खां और भगवान दास, इन दोनों में लड़ाइयां होती है और इनकी विजय होती है, और ये भी कश्मीर भी आपके अकबर के अधीन आ जाता है। और नौवां आक्रमण होता है सिंध पर, सिंध अभियान होता है 1591 में। यहाँ के शासक जानी बेग को मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खां का पुत्र था, ये से भेजा जाता है सिंध आक्रमण के लिए, और यहाँ पे ये युद्ध लड़ता है सिंध के शासक जानी बेग से और सिंध को अपने कब्जे में
कर लेता है। लास्ट दसवां आक्रमण होता है 1590 से 91 के बीच में, उड़ीसा से के जो शासक होते हैं निसार खां, और इधर आपके मुगल के सेनापति होते हैं मानसिंह। मानसिंह ने काफी युद्ध लड़ा था, इसी वजह से इन्हें जो है अपने नवरत्न में जो है अकबर जो है शामिल कर लेता है। नवरत्न में बताऊंगा उसमें 9 लोग थे इनके मेन, अकबर के फेमस फेमस लोग, उसमें अब्दुल रहीम खाने खाना भी था, मानसिंह भी था, बीरबल भी था, ये सब थे। ठीक, तो उड़ीसा पर इनका शासन हो जाता है, किसका? आपके मुगल सेनक का, ये भी कब्जा कर लेते हैं। और 11वां आपका अभियान होता है बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पर मुगल सेना बढ़ती है और वहां के जो बलूचिस्तान के अफगानी होते हैं शासक, पन्नी शासक, पन्नी जो था अफगानी था, उस पर मुगल सेनापति मीर मासूम का आक्रमण होता है और मीर मासूम पन्नी को हराता है और यहाँ पे इसका शासक हो जाता है मुगल सैनिक का। एक तरह से बलूचिस्तान भी इसके अंतर्गत आ जाता है। 12वां नंबर है कंधार। कंधार जो है आपका कुछ समय के लिए, तो पहले जब बैरम खां था तो था इसके अंतर्गत ही, लेकिन बीच में जो है ये अफगानों के हाथ में चला आता है कंधार। फिर बाद में 1595 में, ठीक है, कंधार को फिर से अकबर जो है जीतने के लिए सैनिक भेजता है। कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन और मुगल सूबेदार शाह बेग जो थे वो वहां पे जाते हैं, और ये जो आपके मुजफ्फर हुसैन होते हैं स्वेच्छा से बिना लड़े जो हैं ये क्या करते हैं, कंधार का जो किला होता है वो किसे सौंप देते हैं, आपके मुगल सूबेदार शाह बेग को सौंप देते हैं। 13वां जो अभियान होता है वो होता है आपका, ये इसमें 213वें अभियान की तरफ जो है दक्षिण की तरफ ये इनकी सेना जो है बढ़ती है। दक्षिण में कहां कहां बढ़ती है, अकबर का दक्षिण में जो नीति थी वो साम्राज्यवादी थी, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार करने का। अकबर दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर एवं असीरगढ़ का वो जीता, ठीक है, ये तीन थे, खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़ को इसने जीता था। खानदेश एक प्रकार से दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता था, जो ये खानदेश था वो दक्षिण में जाना है तो इसी स्टेट को जीतना होता था पहले, इसीलिए खानदेश को जीता, फिर अहमदनगर को जीता। ये अकबर का दक्षिण विजय का अभियान, ये अभी निम्नलिखित है, देख लो कौन कौन से थे हैं। खानदेश 1591 में ही सैनिक इधर भी भेजे इसने। खानदेश के शासक अली खां स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर, जब सेना यहां पहुंची तो ये डर के मारे क्या किए, अली खां अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए। फिर सेना धीरे से बढ़ी, कहां 97 और 1600 के आसपास में अहमदनगर पर मुगल सेना जो है आक्रमण करती है, और अहमदनगर के बहादुर निजाम शाह, ठीक है, को शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना ने हरा दिया। कौन? अहमदनगर के जो बहादुर निजाम होते हैं इनकी जो है सामना होता है किससे, शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना से, ठीक, बैरम खां का जो ये पुत्र रहता है, और इनके साथ बहादुर निजाम के साथ चांद बीबी रहती है, इनकी संरक्षिका रहती है, ठीक, ये दोनों लोग बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, फिर बाद में ये लोग हार जाते हैं और यहां पर भी आपका मुगल साम्राज्य का जो है वर्चस्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अकबर ने अहमदनगर के बहादुर शाह और चांद बीबी संरक्षिका थी उनकी से संधि के फलस्वरूप बरार का प्रदेश तथा बहुत सी भेंट प्राप्त की। इसी युद्ध के दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आए थे। ठीक है, जब ये अहमदनगर का युद्ध लड़े थे उसी समय जो है मराठों से मुगल सेना संपर्क में आई थी, और इनके साथ जब संधि होती है तो यहाँ के जो आपके बहादुर शाह और चांद बीबी हैं ये लोग मुगल को, अकबर को एक तरह से बरार का जो प्रदेश होता है वो दे देते हैं और भी सारे कई चीजें जो है भेंट में प्रदान करते हैं। अब आप सेना जो है आगे बढ़ जाती है वो है असीरगढ़। 1601 में सेना असीरगढ़ की तरफ पहुंचती है और यहाँ पर मीर बहादुर को पराजित कर अकबर के जो है अधीन कर लिया जाता है, किसे, असीरगढ़ को भी, मतलब एक तरह से मुगल में साम्राज्य में इसे भी मिला लिया जाता है, और ये ही अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है, और 1601 में अकबर अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था, जो उसका किला था उसे सोने की कुंजियों से अकबर ने खोला था। आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक। और अकबर के समय में जो लोग विद्रोह किए थे वो कुछ थे आपके, जो देख लो कि मेन मेन कौन थे, वो तो आपके विजय अभियान हो गया अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। ऐसे कुछ लोग थे जो राज उसके अधीन करते थे, मगर बीच बीच में उनके अंदर कहीं क्या होता था, खून उबाल लेता था, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लेते थे। वो कौन कौन थे लोग थे वो देख लो। अकबर के समय 64 में उज्बेगों ने विद्रोह कर दिया था। ये उज्बेक कौन थे भैया? मैंने उज्बेक का जिक्र किया था जब आपको मैंने बाबर पढ़ाया था। उज्बेकिस्तान जो था वही लोग तो बाबर को तंग करते थे, वही तो बाबर का जो फरगना था वहां पे कब्जा कर लिए थे, उसे वहां से भगा दिए थे। तो यही उज्बेगों ने फिर से विद्रोह किया था अकबर के समय, इसे शांत किया अकबर ने। 86 में अफगान बलूचियों ने विद्रोह किया, और फिर बाद में उसी को बलूचिस्तान वाला जो आपका अभियान चलाया उसके अंतर्गत जो है इसे अपने अधीन कर लिया। और इसी बलूचियों के विद्रोह में ही जो है इनके जो मेन एक तरह से बुद्धिमान जो है बोला जाए इनके नवरत्न में से कौन बीरबल की मृत्यु हो जाती है। इसी अभियान में, इसी विद्रोह में, बलूचिस्तानियों के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो जाती है। और आगे बढ़ जाते हैं, फिर कौन आपके विद्रोह पैदा हुआ था 1599 में, शहजादा सलीम इन्हीं का पुत्र जहांगीर जो था उसने पुर्तगालियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करता और अपने पिताश्री के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है। इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर लेता है। ठीक है, इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है कि मैं ही बादशाह हूं, अब मेरे अधीन सभी कामें होंगे। तो ये भी एक विद्रोह होता है कौन, अकबर के बेटे के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ला इसको जो प्यार बहुत मिला रहता है सलीम को, ठीक, इसलिए बहुत ज्यादा बिगड़ भी गया होता है। फिर बाद में इसे समझाया जाता है सलीम के इशारे पर, ठीक है, ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव, याद रखना, ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी। भाई ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसके कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी? तो जहांगीर के कहने पर, सलीम के कहने पर, दोनों नाम एक ही है, कंफ्यूज ना होना। वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और ये अबुल फजल कौन था भाई? ये वही है जिसने अकबर के बारे में लिखा है, मतलब ग्रंथ लिखी है अकबरनामा, और आइन ए अकबरी जिसे कहते हो आप, ठीक है, अबुल फजल ने ही इसे लिखी है। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछता है कि आइन ए अकबरी किसकी रचना है? तो याद रखना अबुल फजल की है। इसी प्रकार 25 अक्टूबर 1605 को पेचिस से परेशान होकर अकबर की मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना बड़ा शासक बोला जाए पूरे पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया, और एक छोटी सी बीमारी से जो है क्या हो गया, मर गया। पेचिस, पेचिस की बीमारी हो जाती है इसे 1605 में, और मृत्यु हो जाती है। और फतेहपुर के आसपास एक सिकंदरा नामक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहीं इसे दफनाया जाता है। ठीक है, चलो ये देख लो, अकबर के जो गुजरात विजय किया था उसी के बाद इसने क्या किया था कि एक दशाला पद्धति निकाला था, जप्ती प्रणाली बोल सकते हो, और उसी का नाम टोडरमल प्रणाली भी था, कि आपको कर जो है एक तरह से देना होता था उसके अंतर्गत। तो ये सब लगान वसूलने वाली व्यवस्था जो है टोडरमल को दे दिया, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल इनके, ठीक है, ये सब लेखा जोखा इन्हीं के अंतर्गत था। ये टोडरमल आपके शेरशाह सूरी के समय में भी काम कर चुके थे, उनके भी जो है आपके बोल सकते हो कि राज्य आपका मंत्रिपरिषद होता था उसमें भी ये टोडरमल रह चुके थे। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब अकबर के नवरत्न के बारे में मैंने जो आपको बताया उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद से अगले सेशन में हम जो इसका मनसबदारी सिस्टम था, जो इसने दीने इलाही जो 75 में नया धर्म शुरू किया था उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, अगला जो हमारा सेशन होगा। इसीलिए सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, काफी इंफॉर्मेशन है। नवरत्न के बारे में जिक्र देख कर लेते हैं कि अकबर के नवरत्न खास खास 9 लोग थे। ठीक है, उनको एक नाम दे दिया था कि हमारे फेमस लोग हैं, नवरत्न है हमारे। ठीक है, वो कौन है? तो पहले है बीरबल। बीरबल मतलब, बीर मतलब होता है आपका दिमाग, ठीक, जिसके बीर मतलब दिमाग में जिसमें बल हो उसको बीरबल कहा जाता था। ये नाम किसने दिया था? अकबर ने ही दिया था। ठीक, इसके पीछे एक कहानी है,
ठीक, कहानी ये है कि एक बार जो है इनको महेश दास, इनका नाम रहता है महेश दास, को अकबर जो है बुलाते हैं और ये अकबर के दरबार जब लगा रहता है उसी समय महेश दास अकबर से मिलने जाते हैं, तो इनके जो राजदरबारी जो सेनापति खड़ा रहता है दरबार के बाहर, वो सभी से जो भी लोग दरबार में अंदर जाते हैं उनसे कुछ ना कुछ सिक्का लेकर जाने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये सब महेश दास देखते रहते हैं, ये करप्शन मतलब धीरे धीरे पनक रहा था अकबर के शासनकाल में। तो महेश दास कहते हैं भैया सिक्का तो मेरे पास नहीं है, बताओ मैं क्या दूं, मुझे सुल्तान से मिलना है, मतलब बादशाह से मिलना है, शानशाह से। तो कहते ठीक है, एक शर्त है आपको मैं अंदर जाने दूंगा कि जो भी कुछ जो है अंदर से आपको मिलेगा भेंट स्वरूप उसका आधा हिस्सा आप मुझे दे देना। तो कहते हैं ठीक है। जब पहुंचते हैं तो सभी को बादशाह जो है किसी ना किसी कामों को से बुलाए रहते हैं और उनको नवाजते हैं। तो महेश दास भी गए होते हैं, इनकी जो बुद्धि काफी प्रचलित थी उस समय, इनको भी इनाम देने के लिए बुलाया गया आता है। तो महेश दास से पूछते हैं शहंशाह कि भैया बताइए आपको क्या चाहिए। तो महेश दास कहते हैं कि है जापाना जो मैं मांगूंगा क्या वो मुझे मिलेगा। तो बादशाह कहते हैं एकदम, जो आप चाहेंगे वो इस मुगलिया दरबार में आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहता है बीरबल कि मुझे 100 कोड़े चाहिए। सभी लोग, जितने लोग मुगलिया दरबार में रहते हैं, सभी लोग असमंजस में खड़ा हो रही, ये जो है आपसे बादशाह खड़ा है उनके सामने और बहुत कुछ मांगना चाहिए, धन दौलत मांगना चाहिए, और इसने 100 कोड़ा मांग रहा है, ये कौन सा लॉजिक है। ठीक है, अकबर कहते हैं ठीक है आपको मिलेगा, मगर वह पूछते हैं कि हे महेश दास ऐसा क्या कारण है कि आप 100 कोड़ा मांग रहे हैं हमसे। तो महेश दास कहते हैं कि बादशाह मुझे माफ करिएगा, जब मैं आपसे भेंट करने आ रहा था उस समय आपके दरबार के जो सेनापति है वो मुझसे कहें कि आप मुझे सिक्के दो तभी मैं आपको बादशाह से मिलने दूंगा, और मेरे पास सिक्के नहीं थे, तब मुझे एक कंडीशन पर उन्होंने अंदर आने दिया और कहा कि जो कुछ आपको मिलेगा वो सभी में से आधा हिस्सा मुझे दीजिएगा, तो मेरे हिसाब से ये उचित है। तब उसी पर अकबर जो है ये सब सुनते ही एकदम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक, और उस सेनापति को बुलाते हैं और उसे 50 के बदले पूरे के पूरे 100 कोड़े जो उसी को मरवा देते हैं। और इसी से खुश होकर, उससे बुद्धि से खुश होकर महेश दास के जो है अकबर कहते हैं कि इसे मुगलिया दरबार में शामिल कर लिया जाए। मगर उसी समय वहां पे मुल्ला जो प्याजा रहते हैं और वो अपोज कर देते हैं कि ऐसे कैसे किसी को जो है, क्योंकि ये जात से धर्म से हिंदू रहता है, इस वजह से भी इसका अपोज होता है। तो मुल्ला जो प्याजा कहते हैं अरे जनाह पना ऐसा नहीं करिए, ऐसे कैसे एक सवाल पे एक बार देख कर इनको परख के आप मुगलिया दरबार में शामिल कर लोगे। तो जापना जो है कहते हैं कि ठीक है मुल्ला दो प्याजा जी, आपको जो उचित लगे आप इनसे इनकी बुद्धि का जो है परीक्षण लीजिए, जो भी सवाल पूछना है आप इनसे पूछिए, अगर ये आपके सवालों के सही सही जवाब बता देते हैं तब तो आप सहमत है ना कि इन्हें मुगलिया दरबार में शामिल कर लिया जाए। तो कहते हैं ठीक है जापना, अगर ये सही सही सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं इन्हें जो है हर रोज जो है सलाम ठोकूंगा मुगलिया दरबार में, अगर नहीं देते हैं तो फिर इन्हें दंड भी देना चाहिए, वो भी कोड़ों के रूप में दंड देने के लिए मांगा। इसमें राजी हो जाते हैं, महेश दास भी राजी होते हैं, ठीक है आप सवाल पूछिए। तो मुल्ला दो प्याजा जो है पहला सवाल यही पूछते हैं कि बताइए भाई कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, और यहीं पे महेश दास अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कहते हैं मुल्ला जी आप ये सोच रहे हैं कि जो हमारे जापना हैं उन्हें अल्लाह जो है उनके ऊपर रहम करे, उन पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, उनकी तरक्की बढ़ती रहे, ठीक है उनकी जो आयु जो है वो बढ़ती रहे। तो ये जब सब सुनता है तो मुल्ला दो प्याजा के होश उड़ जाते हैं। अब वो कैसे कहता है कि नहीं मैं ये नहीं सोच सकता था, क्योंकि वहां सुल्तान की बात है, बादशाह की बात है, कि उसके हित के बारे में नहीं सोच रहा था, इसका मतलब अहित सोच रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे। तो यहाँ पे वो दिमाग से वो आंसर देता है और इसी से जो है आपका क्या अकबर काफी खुश होता है। ऐसे सही कई सवालों के जवाब वो देता है और जिसी के कारण महेश दास का नाम उसी दरबार में जो है बदल के रख दिया जाता है क्या बीरबल, कि जिसके बीर में मतलब जिसके दिमाग में बल हो उसे बीरबल कहा जाएगा।
और ये क्लिप आप लोगों ने देखा भी होगा, जोधा अकबर जिन्होंने मूवी देखा होगा उसमें ये काफी आपका फेमस क्लिप है उसे, ठीक। तो ये कहीं हिस्ट्री की किताब में नहीं है, ये कहानी मैंने आपको बता दिया कहानी के तौर पे। ये एक इतिहासकार जो जीवनी के बारे में लोगों के लिखते हैं, बीरबल और अकबर की जीवनी लिखे हैं, उनमें आपको ये सब मिलेगा। जो कंपटीशन की बुक होती है उसमें आपको ये कहानियां नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, उसके लिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कि चीजें समझ में आ जाए आसानी से, उसके लिए मैंने ये कहानी बता दिया। तो मैंने बता दिया ये 1528 में इनका जन्म हुआ था कालपी में, और ये हिंदू थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, और बचपन का नाम इनका महेशदास था। ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे जो इनके नवरत्न में से थे वो थे अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में मैंने बताया कि ये इनके दरबार में आपके क्या थे, लेखक थे, और अकबरनामा और आईने अकबरी इन्हीं की जो है रचना है, ये भी पूछता है आपसे। तीसरे पे बन जाते हैं तानसेन। बोला जाता था ये है कि जब संगीत ये बजा देते थे तानसेन तो बारिश हो जाती थी, ऐसी कहावत है, ठीक है। तो तानसेन जो थे, मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, संगीत कला में अत्याधुनिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी भी कहा है। क्या बोला है? कंठाभरण वाणी के नाम से इनको संबोधित किया है। अब्दुल रहीम खाना जो है अगला इनका नवरत्न आ जाता है। ये बैरम खां का पुत्र रहता है, ठीक। इसने भी कई युद्ध अकबर के कहने पर लड़े होते हैं। मैंने आपको दिखाया कहाँ कहाँ इसने जो है मुगल सेना लेकर जो भी लोग विद्रोह में थे उनको दबाया था। ये बैरम खां का पुत्र रहता है। इन्हें तुर्की में लिखे बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। मैंने ये बाबर जब आपको पढ़ाया था ये बताया था कि बाबर नामा का फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम खाने काना ने किया था, ठीक है। उसके बाद से मानसिंह आ जाते हैं। इनको भी, ये भी इनके सेना में काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं, कई अभियान करते हैं, इसीलिए इन्हें मानसिंह को जो है क्या करता है अपने नवरत्न में शामिल कर देता है। ये अमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र होते हैं। जो भारमल जिसकी बिटिया से ये शादी करते हैं उन्हीं के पौत्र होते हैं और भगवान दास के पुत्र होते हैं। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इनकी मृत्यु 1611 में हो जाती है। उसके बाद से अगले आते हैं राजा टोडरमल। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये शेरशाह सूरी के काल में भी थे और अकबर के काल में फाइनेंस मिनिस्टर का काम करते हैं। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध का मुख्य जिन्हें फेमस होने का मुख्य कारण था वो भूमि सुधार, ठीक। जो इन्होंने भूमि सुधार जो नियम लगाया था, दशाला नियम लगाया था, जप्ती प्रणाली दिया था, इसी वजह से ये काफी फेमस है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। फैजी फैजी तो जो था वो अबुल फजल का बड़ा भाई था। इन्होंने महाभारत और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। यह भी इनके नौ रत्नों में से एक था। उसके बाद से आता है हकीस हुमास। कौन आता है? हकीस हुमास। ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नौ रत्न में शामिल कर लिया था, ठीक है। इनके मित्र थे इसलिए ये नौ रत्न में आ गए थे। और लास्ट हैं आपके मुल्ला दो प्याजा, ठीक। ये काफी फेमस व्यक्ति थे और इनके रसोइया भी थे, बोला जाता है। जैसा नाम वैसा काम इनका था। काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए तो पुले मुगल दरबारी में सबसे पहले प्रश्न पूछने का अवसर इन्हीं को दिया गया बीरबल से, क्योंकि ये बुद्धिमान भी थे थोड़ा। बीरबल इतना नहीं थे मगर थे, ठीक। और इनको खाने में दो प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद थे, इसी वजह से इनको मुल्ला दो प्याजा बोला जाता था, ठीक। तो ये आपके नौ आपके रत्न हो गए अकबर के दरबार के। आगे के सेशन में हम बात करेंगे जो इनके द्वारा और भी झरोखा सिस्टम लाया गया, तुलादान सिस्टम लाया गया, मनसबदारी लाया गया, जिले इलाही जो धर्म चलाया गया, उसके बारे में अगला सेशन होगा। उसके बाद से जब हम मुगल में आपका जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब को खत्म कर लेंगे तब इसके प्रशासन व्यवस्था पर आएंगे, क्योंकि रोल तो इसका था प्रशासन में सबसे ज्यादा अकबर का ही, मगर कुछ कुछ रोल प्रशासन में जहांगीर का और औरंगजेब का भी आ जाता है। तो इसीलिए जब उनको हम समाप्त कर लेंगे ना तो एक ही बार प्रशासन पढ़ेंगे, उसी समय आपका आर्ट एंड कल्चर भी मुगल के समय का पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम बात करेंगे मनसबदारी सिस्टम के बारे में। तो तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो,
और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। धन्यवाद।